आप नॉनवेज खा रहे हो या नॉनवेज आपके अच्छे ग्रहों का फल खा रहा है। एक संत होने के नाते, एक गुरु होने के नाते मैं नॉनवेज खाने को सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ये जो वीडियो है ये ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से है, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सके या अपने घर वालों की जन्म कुंडली में चेक कर सके कि नॉनवेज खाना आपको सूट कर रहा है या फिर आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है। कई कुंडलियां मेरे पास आती हैं जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, राजयोग है, लेकिन फिर भी जीवन में तनाव और परेशानियां पीछा छोड़ती ही नहीं, और बहुतों की कुंडली में उनको नॉनवेज खाना सूट नहीं करता है। तो आज यही सीखेंगे, यही जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिन चिरकुट की टीचर ने उसे क्लास में खड़ा किया। उससे पूछा, चिरकुट पूरे क्लास को बताओ, मैं जो लाइन बता रही हूँ इसका मतलब क्या है? बिट्टू मांसाहार नहीं करता है। चिरकुट ने थोड़ा सा सोचा, फिर बोला, अरे मैडम ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बिट्टू मांसाहार इसलिए नहीं करता क्योंकि माता रानी से उसको बहुत डर लगता है और उसने नवरात्रे रखे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। आई ना हंसी? ऐसे हंसते रहा करो, क्योंकि जीवन की आधी जटिलताएं तो ऐसे ही हंसने मुस्कुराने से निकल जाती है। मैंने एक संत के मुख से कहानी सुनी थी कि एक बार यमराज अपने भैंसे पर मृत्युलोक में आए और उसका समय पूरा हो गया, उसको ले जाने आए थे। अब पार्क में वो व्यक्ति बैठा जोर जोर से हंस रहा था। यमराज भी कंफ्यूज हो गए और उसके बगल वाले को लेकर के चले गए। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए हंसते रहा करें, because your smile can fade thousands of obstacles. क्या आप जानते हैं, according to the World Cancer Research Fund International Organization, eating fish meat increases the chances of cancer in human body. यानी कि हम जितना ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उतना ज्यादा कैंसर के चांसेस हमारे अंदर बढ़ जाते हैं, और जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्होंने रिसर्च में पाया कि उनका कैंसर के जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एक व्यक्ति की जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन्स होती है, यानी जो आते होते हैं, वो हमारी बॉडी से 7 गुना ज्यादा होते हैं। जी हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो लगभग 9 to 16 feet लंबी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लगभग 5 feet लंबी होती है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मांसाहार खाते हैं वो जानवर, उनकी इंटेस्टाइन केवल 3 to 7 feet तक की ही होती है। मीट और फिश को ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए लगभग 1.5 to 2 दिन लगता है। बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके होने के कारण बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। अब एक रॉटन डेड फ्लैश आपकी बॉडी में है और 1.5 to 2 दिन वो बॉडी में प्रोसेस होती है, ऐसे में इट इज सेड दैट इट इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी। ये आपकी बॉडी में रॉटन होती है, यानी कि सड़ती रहती है। ऑन द कंट्रास्ट, जो वेजिटेरियन फूड होता है जिसमें हाई फाइबर होता है, वो लेस देन अ डे यानी 1 दिन से कम में भी डाइजेस्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि नॉनवेज खाना आपको बहुत सारी ताकत देता है, ज्यादा ताकतवर बनाता है? ये केवल एक भ्रम यानी कि मिथ है। एग्स जो है ह्यूमन बॉडी को 12 to 15% प्रोटीन देते हैं। चिकन मीट इस तरह के नॉनवेज 22 to 24% तक प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जबकि सोयाबीन में 42 to 45% तक प्रोटीन होता है। दाल, राजमा, लोबिया, मूंगफली, इसमें 24 to 30% प्रोटीन होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड फैट्स। लेकिन क्या आपको लगता है, हमारी बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए, चलाने के लिए केवल हमें यही 3 चाहिए? नहीं, हमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ स्टडीज, जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पतले दिखते हैं। नॉर्मली तो आप उनको चिढ़ा भी सकते हैं, अरे कैसा लकड़ी सा दिख रहा है, लेकिन ये सूखे लोगों में जान बहुत होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि अंदर से उनके अंदर हेल्थ होती है।
क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन फूड होते हैं और इसमें से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, आपकी बॉडी का जो बीएमआई है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं, आपकी फैट को मेंटेन करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं, आपके बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो होती है, जनरली इट इज रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड इंक्रीजेस द इम्यूनिटी एंड द बॉडी कैन रिसिस्ट एंड फाइट डिजीजेस मोर। आज की डेट में जितनी भी मेजर डिजीजेस हैं वो सारी ही हमारे पेट से शुरू होती है, मोटापे और चर्बी से शुरू होती है। अगर वेजिटेरियन डाइट को अच्छे से लिया जाए तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क नहीं रहता, बीपी का रिस्क नहीं रहता है, फैटी लीवर के चांसेस नहीं होते हैं और ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। आप जानते हैं, अगर आप 8-9 बार कोई भी ऐसी डिश खाते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आपका टेस्ट उसके लिए कल्टिवेट होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको ये भी पता है कि नॉन वेज आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपको ये भी पता है कि आपका लाइफस्टाइल आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छे और रिच वेजिटेरियन फूड आपको खाने चाहिए, लेकिन फिर भी इस स्वाद का क्या करें, जब तक कि स्वाद नहीं है तो फिर तो ऐसा लगता है जीवन ही बर्बाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्वाद को यानी कि टेस्ट को कल्टीवेट किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक मेडिकल स्कूल, इंग्लैंड में ये स्टडी कंडक्ट की गई और यहाँ पाया गया कि जितने भी लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करते हैं, उनका हायर लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग था, यानी कि वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा खुश रहते थे। एक और स्टडी 2010 में की गई कुछ बच्चों के ऊपर, उसमें पाया गया कि अगर बच्चों को कुछ डिश बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसको 8-9 बार वो सब्जी खिलाई गई तो उसका टेस्ट उसके लिए कल्टीवेट हो गया और उसको फाइनली वो सब्जी अच्छी लगने लगी। अच्छा चलो इसको ऐसे समझो, आप इंडिया में हो तो आपको इंडियन फूड अच्छा लगता है, यानी कि पूरी सब्जी, आलू कचौड़ी, क्या हुआ मुंह में पानी तो नहीं आ रहा सुन के, रसगुल्ले, रसमलाई। लेकिन अगर आपका जन्म जो है वो यहाँ नहीं हुआ होता, फॉरेन किसी कंट्री में हुआ होता तो आप भी तो वही खा रहे होते ना, सैलेड, पास्ता, ब्रेड, तो आपका टेस्ट वहां का कल्टीवेट हो जाता। समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई चीज आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है तो आप उसको इजीली क्विट कर सकते हैं और अपने टेस्ट को अपने हेल्थ के अनुसार डेवलप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी 7-8 बार, लेकिन आप खाते रहोगे तो आपको उसी में स्वाद आने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात कही गई है कि देवता भी इस जीवन में मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, मनुष्य शरीर को तरसते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी योनि है जहां हम अपने मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं। अपने लोक और परलोक को सुधारना है तो आपको शरीर का ख्याल तो रखना पड़ेगा, और शरीर का ख्याल तो तभी रख सकते हो जब आप इस शरीर को हेल्दी खाना दोगे। मांसाहार यानी कि मांस जो है, जो नॉनवेज है, ये एक डेड एनिमल की फ्लैश होती है और इसे हम ग्रहों में बात करें तो शनि से देखते हैं, शनि इसके कारक जो है वो माने जाते हैं। और मुख का जो कारक भाव है वो सेकेंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव है, तो जब भी आप नॉनवेज खाते हो तो अपने सेकेंड हाउस से यानी कि द्वितीय भाव से आप शनि को गुजारते हैं, और अगर आपका द्वितीय भाव मजबूत नहीं है, अच्छे ग्रह उसमें नहीं बैठे, तो आपके सभी अच्छे ग्रहों का फल शनि के वहां से गुजरते ही खराब होने लगता है, नकारात्मक होने लगता है, आपकी वाणी पर भी प्रभाव होता है और जितने भी शुभ ग्रह आपके लाभ भाव में है वो भी खराब होने लगता है। मेष राशि वालों, आपके जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल यानी कि मार्स, और वो एक फायरी साइन है। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट और एनर्जेटिक होती है। आपको खाने पर ज्यादा समय बर्बाद करना, ऊर्जा बर्बाद करना पसंद नहीं है, बहुत तीखा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या एनर्जी देने वाले खाने को पसंद करते हैं। आप जल्दी ही समझ जाते हैं लाइफ में कि आपकी बॉडी आपका एक एसेट है और इसको अच्छा रखने के लिए आप हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। मोस्टली आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शनि अच्छे नहीं है तो आपको गलती से भी नॉनवेज को टच नहीं करना चाहिए। इस राशि में ये तो नहीं कहूंगी कि आपको नॉनवेज सूट नहीं करता है, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद भी अगर आपको वीकनेस रहती है, आपके पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, काम में रुकावट आती है, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं है, घर में कले कलेश होता है, तो नॉनवेज आपको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। गुरु माता की शरण में जब से आई हूँ मेरे सारे काम बने हैं, बहुत अच्छी गुरु माता जी है मेरी, इनकी शरण में हम सब ऐसे आते रहे। जय गुरु माता जी की, जय गुरु माता। था मेरा मकान बेचना था, गुरु माँ ने जो बताया उसी हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए।
तो उन्होंने अभी उपाय बताया, वो मैं आगे करूंगा। मांसाहार करने से, नॉनवेज खाने से शनि जहां बैठते हैं, जिस घर में, जहां उनकी प्लेसमेंट है, जहां पर दृष्टि रखते हैं, जहां भी देखते हैं, जिसके स्वामी हैं, वो सारे ही ग्रहों पर वो बुरा प्रभाव देने लगते हैं अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है और फिर भी आप मांसाहार करते हैं। कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरु मां क्या हम उपाय करके या रिंग्स पहनते हुए मांसाहार खा सकते हैं। देखो, रिंग्स पहनते हुए मांसाहार से कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ, अगर आपने नीलम पहना है या नीलम का उपरतन पहना है, नीली पहना है या काका नीली वगैरह, बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं जो शनि से संबंधित है, वो पहने हैं ब्लू कलर के स्टोन, तो आपको नहीं खाना चाहिए। बाकी सभी ग्रहों से और रिंग को पहनने से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि आपकी कुंडली में नॉनवेज खाना सूट कर रहा है या आपको बहुत नुकसान दे रहा है। साथ साथ अपने फर्स्ट पेज ऑफ जन्म कुंडली को खोल लीजिए। उसमें आप एक गण का कॉलम पाएंगे, उसमें गण लिखा होगा। तीन ही गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण। अगर आप देवगण या मनुष्य गण में हैं, तो आप गलती से भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हाँ, राक्षस गण के हैं तो आपकी प्रवृत्ति हो सकती है कि आप नॉनवेज की तरफ ज्यादा आकर्षित रहें। अब मैं आपको कुछ प्लेसमेंट्स, कुछ रूल्स ऐसे बताने जा रही हूँ जो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपकी जन्म कुंडली में दिखती है तो नॉनवेज खाना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आपको तुरंत इसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं तो आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल सूट नहीं करेगा, आप इसे छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके जीवन में सक्सेस कभी नहीं आएगा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। बृहस्पति नीच के यानी कि वो 10 नंबर में बैठे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच के हैं यानी कि 1 नंबर मेष राशि में बैठे हैं, तो आप बिल्कुल ही नॉनवेज को छोड़ दीजिए, वरना ऐसी शनि की प्लेसमेंट कहीं पर भी हो आपको बर्बाद कर देगी अगर आप नॉनवेज खाते रहेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस के दूसरे घर के जो स्वामी है वो नीच के हो जाएं, वक्री हो जाएं, बिल्कुल ही अस्त हो जाएं, तो ऐसे में आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वरना धन की हानि आपको होती रहेगी। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु केतु या फिर बृहस्पति शनि बैठे हैं तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना आपका जो धन है वो बेकार में खर्च होता रहेगा। अगर आपके सिक्स्थ हाउस में यानी कि छठे घर में राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, शनि बैठे हैं या बृहस्पति बैठे हैं और आप नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा करने पर आपकी आयु घटती है और साथ में शत्रु आपका प्रबल होता है, यानी कि शत्रु आपके हमेशा बने रहेंगे। अगर आठवें घर में आपके राहु केतु शनि या बृहस्पति हैं और आप नॉनवेज खाते हैं तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ दुख आपको लगा ही रहेगा। अगर आपकी बारहवें घर में राहु केतु शनि या बृहस्पति में से कोई है और आप नॉनवेज खाते रहते हैं तो ऐसे में कर्ज मुक्ति कभी नहीं होगी, व्यर्थ के खर्चे आपके होते रहेंगे। अगर आपके 11वें घर में यानी कि 11th हाउस के अंदर कोई ग्रह ही नहीं बैठा तो ऐसी स्थिति में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खाएंगे तो आपके जो अच्छे फल है वो आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, धन प्रॉपर प्राप्त नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगर आपका लग्नेश कमजोर है, वीक है यानी कि अस्त है, कम डिग्री का है, वक्री है, नीच का है या किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ आप कभी भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे और नुकसान झेलते रहेंगे। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपका गोचर में शनि आए हैं, ऐसे में आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और साथ ही अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी आपको कभी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। साथ ही भूल करके भी कभी शुभ दिनों में, पवित्र दिनों में, त्योहारों के दिनों में, उपाय करते समय में नॉनवेज नहीं खाएं, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं आप अपनी जन्म कुंडली में या अपनी फैमिली में से किसी की भी जन्म कुंडली में बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको नॉनवेज खाना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है फिर भी तो आप चिंता मत करो, आपकी गुरु मां हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार है। आप अपनी जन्म कुंडली अगर मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई फीस नहीं लेते हैं। बहुत से लोग हैं अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं, आपने बहुत सारे पैसे लेते हो, बहुत फीस लेते हो, हम कोई फीस नहीं लेते। हर गुरुवार को निशुल्क दरबार लगाया जाता है, आप उसमें अपनी जन्म कुंडली के साथ, जन्म कुंडली ना होने पर हम चेहरा देख करके आपको उपाय बताते हैं, आपकी जन्म कुंडली फेज रीडिंग से बनाते हैं। तो आप एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़ा में बांध करके उसको मेरे पास लेकर के आए, मैं जरूर आपको चेक करके बताऊंगी नॉनवेज खाना आपको सूट करता है या नहीं करता है, या क्या और लाइफ में आपको चेंज करना है, उपाय करना है जिससे लाइफ आपका बेटर हो।
जाए। जो लोग आ नहीं सकते हैं, अगर आपका कोई दिल्ली में जानने वाला हो उसको भेज दो, उसके हाथ कुंडली भेज दो। वो भी नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, फिर टोकन नंबर हम देते हैं वीडियो कॉल पे बात करने का। अब आप ये सोचते हो कि आपने नंबर देखा और तुरंत आप कॉल मिला दो, गुरु माँ फ्री है, आपसे बात कर लेंगी। और जो हजारों लोग वेटिंग में है, लगभग 2000 लोग अभी वीडियो कॉल पे वेटिंग में चल रहे हैं, जिनसे मैं डेली बात करती हूँ लेकिन वो खत्म ही नहीं होते, बताओ क्या करूं। तो थोड़ा सा वेट कर लो, आपसे भी जरूर बात करूंगी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट पर। उसके भी अब कोई फीस नहीं है, वो फीस भी हमने खत्म कर दी। बहुत से लोग ऐसे थे, परेशान हो रहे थे कि आप श्रद्धा अनुसार भी कोई फीस क्यों लेते हो, चलो नहीं लेती जाओ, वो भी फीस नहीं ले रही। जो करना है मेरे प्रभु करेंगे, कहां से देना है, कैसे व्यवस्था चलानी वो जानेंगे। तुमसे मैं वो फीस भी नहीं ले रही, अब बिना किसी फीस के वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो। बस एक टोकन नंबर ले लेना ताकि व्यवस्था से लाइन बाय लाइन आ सको। ऐसा नहीं आज किसी ने फोन किया उससे बात कर लिया, कल किसी ने बीच में आके फोन किया उससे बात कर लिया, सब लोग अपने नंबर से चलो तो किसी को समस्या नहीं होगा। हमारे नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर आ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर फोन करिए, फोन करके टोकन नंबर लीजिए। वीडियो कॉल पे आपकी जन्म कुंडली में जरूर देखूंगी, निशुल्क देखूंगी। हाँ, भंडारे के लिए आप कोई सहयोग देना चाहे तो वो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, उसका पुण्य कर्म भी आपका है। हर महीने जो भंडारा होता है वो हम आपके सहयोग से करते हैं और करते रहेंगे। और खास बात बताना चाहूंगी, अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको बार बार बुलाता है, आपको नॉनवेज खिलाता है, आपको जबरदस्ती शराब पिलाता है, और उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपको दिखता है कोई बड़ा नुकसान आपका हो गया है, तो तुरंत ऐसे व्यक्ति की संगति छोड़ दीजिए और नॉनवेज खाना, ड्रिंकिंग करना भी छोड़ दीजिए, तभी आपके जीवन में सुधार हो पाएगा। अब बहुत से लोग परेशान हैं, गुरुमा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ा नहीं जाता है। वैसे तो हमारे पास दरबार में लोग आते हैं या वीडियो कॉल पे हमसे बात करते हैं, तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं, गुरुमा आज आपको संकल्प दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि आज के बाद से नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपके चरणों में ही प्रतिज्ञा लेके जा रहे हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति की विल पावर मजबूत नहीं हो पाती है, तो बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो विल पावर आपकी मजबूत नहीं है। कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले आप एक हफ्ते के अंदर एक नियम बना लो कि हफ्ते के इस दिन मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। उसके बाद 1-2 हफ्ते तक जब आप उसे मेंटेन कर लेते हो, तो अब महीने का संकल्प बनाओ कि महीने के 15 दिन हमें नहीं खाना है नॉनवेज। फिर आप 6 महीने का संकल्प लीजिए, फिर साल का लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसानी से आप अपनी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसके बाद आपको हर स्टेप पे लगेगा कि मैं मजबूत हूं, कोई भी चीज मुझे बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकती है, मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में स्वयं ही सक्षम हूं। और जो लोग तुरंत ही अभी समझ गए हो और छोड़ना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में संकल्प कर लो कि गुरुमा आज के बाद से नॉनवेज नहीं खाएंगे, हमने ये संकल्प लिया। और अब तक के लिए जो भी हमने किया उसके लिए हम शनिदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, भूल चूक में हमसे जो भी हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको शुभ करें, आपको पवित्र करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।